गुड आफ्टरनून। एक्चुअली हम लोग अभी इधर आए, मैं इधर आया है कि एक्चुअली एक रूमर चल रहा है अभी सोशल मीडिया में, कल हम लोग डार्जिलिंग में बुद्ध पूर्णिमा मना रहे हैं, सो इसको लेकर जो एनुअली जो एक जनरिक अलर्ट आता है आईबी हेडक्वार्टर्स और बाकी सिक्योरिटी इंटेलिजेंस एजेंसी से, तो उस हिसाब में एक्चुअली एक इनपुट आए थे, तो उसको लेकर कुछ रूमर सोशल मीडिया में चल रहे हैं। एंड लाइक अभी कुछ लोग मैंने ऐसा कुछ इनपुट आया कि कोई नेपाल से या बांग्लादेश से आकर ऐसे बॉम्बिंग करेंगे मोनास्ट्रीज में। हम लोग के पास मैंने ऐसा कुछ कंफर्म खबर नहीं है, ऐसा पर्टिकुलर खबर नहीं है। मैंने जिस दिन से ऐसा कुछ रूमर चल रहे थे, वी हैड स्टार्टेड वो जो जितना डार्जिलिंग में होटल्स और होम स्टेज है हम लोग चेक कर रहे हैं, और बाकी अगर बाहर से कोई आउटसाइडर आया या कुछ सस्पिशियस मूवमेंट्स है वो सब हम लोग वॉच कर रहे हैं। हमारे पास ऐसा कुछ कंफर्म खबर है कि कल कुछ प्रॉब्लम होगा, मैंने कुछ मुद्दा मैंने मोनास्ट्रीज ऐसा प्लान कर रहे कि कल कुछ होगा, इसलिए वो लोग मैंने प्रोग्राम बंद करना चाहते हैं। आई विल अपील टू ऑल दोस मोनास्ट्रीज दैट हम लोग पूरा तरह से प्रिपेयर्ड हैं, मैंने एक्स्ट्रा फोर्स डिप्लॉयमेंट होगा, जितना प्रोसेशन बुद्ध पूर्णिमा का होगा उसका प्रॉपर सिक्योरिटी होगा, जितना मोनास्ट्रीज मैंने इंपॉर्टेंट मोनास्ट्रीज है जैसे डाली जोर बंगलो सोनादा उधर एक्स्ट्रा एंटी सैबोटेज मेजर्स होगा, और बाकी प्रोसेशन जो इम्पोर्टेंट प्रोसेशन एक ही होता है वो चौरस्ता से जो जाता है, तो वी आर गिविंग एक्स्ट्रा सिक्योरिटी एंड ऑल द इम्पोर्टेंट एंटी सैबोटेज माने जैसे कि वो जो मेटल डिटेक्टर यूज करके जो चेकिंग वेकिंग करता है, एज एन एवरीथिंग विल बी इन प्लेस। ठीक है, सो नो नीड टू पैनिक एंड नो नीड टू बी अफ्रेड ऑफ एनीथिंग, एज इन एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। तो अगर इनकेस मैंने अभी जैसे हम आगे बोला, अभी तक हमारे पास ऐसा कुछ खबर नहीं है मैंने ऐसा कल कुछ अटैक होगा बोल के। ठीक है, तो इन केस ऑफ एनी अनटूवर्ड इंसिडेंट हैपन वी आर फुल्ली प्रिपेयर, डार्जिलिंग पुलिस एंड वेस्ट बंगाल पुलिस इज फुल्ली प्रिपेयर। इन एडिशन टू ऑल दिस, परसों हमारा इधर इलेक्शन है, तो इलेक्शन शुड बी हेल्ड इन ए वेरी पीस एंड फेयर एंड सिक्योर एटमोस्फियर। सो दिस इज वाई द मेन रीजन that I have come here and explaining this to you. We have got 16 additional companies of Central Armed Police Force just for the elections. So in case of any issues, we can use that force also. So there is no problem at all anywhere.